प्रतिपल स्मरण सारे जगत का कल्याण करना। नंदी बाबा की सवारी कर जगत का सहार करने वाले भगवान विश्वास का स्वरूप भोले बाबा के चरण का सारे संसार को अपने ज्ञान प्रकाश से प्रकाशित कर अज्ञान रूपी अंधकार को मिटा देने अपनी ममता अपने वात्सल्य से आनंद देने वाली जिनके नेत्रों में सूर्य और चंद्रमा का निवास है जिनके सुंदर खुरों में नाग देवताओं का वास है सारे जगत पर कृपा करने वाली आनंद कंठ नंद नंदना की दुलारी दुनिया की सभी गो माताओं को चरण नीलमणि वृषभ बाबा जिनकी कुकुज पर विराजमान होकर के भगवान काकुस्थ देवासुर संग्राम में देवताओं को विजय दिलवाते हैं जिनकी कृपा प्राप्त करके सामान्य मनुष्य धर्म की प्राप्ति कर जाते ऐसे धर्म अवतार भोले बाबा के लाडले नंदी बाबा के चरण उपस्थित आप सभी हरि भक्त सज्जन अपने अनमोल समय में से हरि भजन के लिए गौ महिमा सुनने के लिए समय निकाल करके पधारे सभी भाइयों के हृदय में बैठे भगवान श्री रामचंद्र जी को आप सभी उपस्थित मात्र शक्ति ईश्वर चरणों में अनुराग रखने वाली प्रेम रखने वाली सभी माताओं बहनों को नमन। बाहर से जो भी अतिथि पधारे हैं उन सभी का अभिनंदन। परमात्मा ने अनंत कृपा करके अद्भुत कृपा करके हमें सुअवसर प्रदान किया संसार में भेजा है मेरी वाइफ सत्संग भी साथ में ताकि हम हरि का नाम कभी भूले कभी हम परमात्मा के स्तुति को कभी हम स्मृत नहीं। संसार में रहते हुए हम ईश्वर को याद रखें निश्चित ही मेरे प्यारे भाई बहनों सत्संग को अगर गहराई से सुनेंगे तो हमें आनंद भी मिलेगा मार्ग भी सत्संग क्या करता है छोटा सा काम करते हैं संत और सत्संग। अगर हमारे यहाँ पर कोई पानी की नाली हो इसमें बदबू आ रही पानी सड़ रहा है लोग परेशान हो जाते लेकिन अगर कोई सज्जन व्यक्ति उस नाली के मुंह को किसी खेत की तरफ नाली के पानी का बहाव किसी खेत की तरफ कर दे तो जो पानी बदबू मार रहा था वही पानी फूल की खुशबू बनकर के महकने लग जाता वही पानी गुलाब खिला सकता फसल खेती करवा सकता सिर्फ दिशा बदलनी पड़ी मार्गदर्शक अगर हमें मिल गया दिशा देने वाला मिल गया तो हमारे जीवन की दशा अपने आप सुधर सकती है। और ये सत्संग तो निश्चित ही सब कुछ है लेकिन तुलसी बाबा ने कहा है मेरे भाई कि मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी अगर सत्संग में आकर के बैठता है तो वह ज्ञानी हो प्रश्न खड़ा होता है कि ज्ञानियों का क्या मूर्ख का मतलब ये नहीं कि जो वास्तव में सामान्य जो मूर्ख की परिभाषा लगा शठ अज्ञानी से अज्ञानी व्यक्ति आकर के सत्संग में ज्ञान की प्राप्ति कर सकता कब
जब वह सत्संग श्रवण करने की इच्छा से पहुंचेगा तब अपने घर में अगर नल आते या मोटर चलते, समय हुआ नल आने का या मोटर चलने का, जैसे ही नल आते हैं तो भरी भराई बाल्टी लेके दौड़ते हैं कि खाली वाली, खाली। कितनी ही बाकी बाल्टियां भरी पड़ी हैं, लेकिन सोचते हैं पता नहीं कल पानी आए ना आए, बाकी जो खाली बर्तन है उनको। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, खाली बाल्टी, खाली बाल्टी नहीं है तो इधर उधर एडजस्टमेंट करेंगे, खाली बाल्टी तो ही पानी का आने का लाभ है। सत्संग भी इसी तरह से, सत्संग में आए अपने आप को रिक्त करके, खाली करके, कि कुछ जानना है, कुछ सुनना है। सामान्यतया बाकी सब भाई बहन तो श्रवण करने की इच्छा से बहुत सज्जन पधारते हैं, लेकिन कुछ लोगों के मुंह से आपने शत प्रतिशत 100% सुना होगा कि कथा होता तो खूब सुनिए, देख के तो आते हैं कैसा चल रहा है, कैसे बोलते हैं। आप में से भी कई भाई बहन सज्जन इसी अभिलाषा से आए होंगे कि देखेंगे कैसी कथा करते हैं, क्या बोलते हैं। बाकी कथाएं तो रोज सुन रहे हैं, टीवी पे सुन रहे हैं, मोबाइल पे सुन रहे हैं। इस भावना से जाएंगे तो कुछ ग्रहण नहीं, रखो ये भावना, लेकिन हृदय में कथा श्रवण का एक जिज्ञासा, आस, एक उत्साह, और सत्संग को सुने तो डूब कर गहराई से सुने। ऊपर आपको कहीं कुछ भी नहीं मिलेगा, किसी के भी भीतर गहराई में आपको जाना पड़ेगा, अन्यथा कुछ भी प्राप्त नहीं। प्यारे भाई बहनों, वैसे यहाँ पर विचार कीजिए, अगर हम ज्ञान की बात करें तो ज्ञान की भी गहराई में जाना पड़ेगा। अगर आप समुद्र में चले जाएं तो समुद्र में ऊपर ऊपर आपको शीप, गोंगे, सहवाल मिलेंगे। अगर आपको मोती पाने की इच्छा है, अगर आपको मोती लेने की इच्छा है, तो आपको समुद्र की गहराई में उतरना पड़ेगा, समुद्र के भीतर जाना। इसलिए जिन खोजा तिन पाहियां, गहरे पानी बैठ। गहराई में उतरने के बाद ही कुछ प्राप्त होता है। इसे सत्संग की भी गहराई में उतरने का प्रयास करें, भीतर तब जाकर के हम कुछ प्राप्त करें। ज्यादा नहीं, थोड़ा प्राप्त कर पाएंगे तो फिर भी कर पाएंगे। एक नगर में एक सेठ जी की हीरे जवाहरात की दुकान थी। विदेशों से बहुत सारा माल लेकर के आए, बहुत सारा माल, मोती, हीरे, मोती, बहुत सुंदर सुंदर, और ला करके उन्होंने दुकान में जमा दिए, एक एक करके मोती बेचे। लेकिन एक मोती ऐसा था जिस पर काले रंग का दाग लगा था। बैठ जाएं आप सभी बच्चे, जो झांकी में नहीं है उनसे आग्रह है, अब बिठाएं सब, बैठे, खड़े नहीं रहे, व्यवधान नहीं। मोती पर काला दाग लगा हुआ था, इसलिए वो मोती बिकता नहीं था। बहुत प्रयास किया तब जाकर के अपनी बात वो किसी संत के सामने रख पाए। एक दिन सामने दुकान के सामने से संत निकल रहे थे, तो संत के दर्शन करके उसे सेठ जी को बहुत आनंद हुआ। उन्होंने प्रणाम किया, नमन किया और कहा, भगवान मेरी दुकान को पवित्र कर दीजिए, थोड़ा पधारिए। संत बड़े निर्मल स्वभाव के थे, अंदर पहुंचे, पूछते हैं, सेठ जी सब ठीक तो चल रहा है? एकदम बढ़िया, कोई भी कमी नहीं, सब आनंद है जीवन, सब आनंद। थोड़ी देर बाद उन्होंने अपने जो हाथ में मोती की डिब्बी थी वो मोती निकाला, और निकाल के कहते कि बाबा जी बाकी तो सब बढ़िया है, लेकिन एक दिक्कत है।
मैं बहुत सारे मोती लेके आया, सारे बिक गए। एक मोती की कीमत 125,000 रुपए, लेकिन इस मोती पर काला दाग लगा हुआ है और ये मिटता नहीं है और ये बिकता नहीं। अगर ये मोती नहीं बिका तो मेरा तो बहुत बड़ा नुकसान। संत भगवान ने कहा चिंता मत करो। वैसे तो साधु संतों से सामान्य बात पूछनी नहीं चाहिए, साधु संतों से छोटी चीज। हमें कहीं आप साधु संत मत समझ, हम सिर्फ गौ माता के भक्त, साधिका, गौ माता की सेवा के लिए संकल्पित पूर्ण जीवन गौ सेवा। संत की परिभाषा बहुत बड़ी है, सिर्फ तिलक लगाने से और माला पहनने से कोई संत नहीं हो जाता है। संत भगवान बहुत निर्मल है, उन्होंने बहुत ही प्रेम से कहा गौ माता का दूध और थोड़ा पानी मंगवाया, दूध और पानी मंगवाया और वो मोती जो था उसमें डाल दिया। लगभग 9 घंटे तक उस मोती को डाल करके रखा, निकाल करके साफ किया तो मोती का दाग साफ। सेठ जी को बहुत प्रसन्नता हुई, बहुत आनंद। नहीं पूछना चाहिए थी सामान्य बात, फिर भी सेठ जी पूछ बैठे। कभी अपने जगत की बातें तो खूब करते, कभी जगन्नाथ की बातें भी अक्सर देखा है। कभी भी साधु संतों के पास माताएं बहने जाएंगी तो 3 समस्याएं तो रख ही दे। बेटा पढ़ाई तो खूब करता है बाबू जी, 1 नंबर हो जाए, नौकरी लग जाए बस। बेटी बड़ी हो गई, रिश्ते तो खूब आते पर बात जम नहीं रहे, कुछ उपाय बता। आपकी कृपा से हो गया तो पूरी जिंदगी आपका नाम बोलते। और कुछ नहीं तो मेरे जितने भी बुजुर्ग माताएं दादियां हैं, कोई सब्जेक्ट नहीं होगा, कोई विषय अगर उनके पास बोलने के लिए नहीं होगा तो प्रणाम करके जब उठेगी तो उठते उठते कह देगी कि बाबू जी गोड़ा घना दुखी, उसमें संत बाबा क्या करे, बताए समझ में। संतों से, संत भगवान के पार्षद मत, लेकिन सच्चे संत कलयुग है, संभल के। उस समय एक रावण था मेरे भाई बहनों, जो सीता का हरण करने के लिए साधु का वेश बना कर आया था। आज हर कोने में मेरे भाई बहनों ऐसे लोग जी रहे हैं। संतों का अपमान नहीं करना है, सच्चे संतों के चरणों में नमन वंदन प्रणाम। लेकिन जो भारतीय संस्कृति को बदनाम कर रहे हैं, जो सिर्फ मेरे भाई बहनों सम्मान पाने के लिए झोले आड़ देते हैं, ऐसे लोगों से आप बच कर आग्रह है। मीराबाई अपने सदगुरुदेव को, ज्योतिषों को, पंडितों को एक ही बात पूछते, एक ही बात पूछते कि सिर्फ हे भगवान मुझे मेरे कन्हैया मिलेंगे, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं, कोई प्रश्न नहीं। साधु हो, संत हो, ऋषि हो, मुनि हो, भक्त हो, पंडित हो, पुजारी हो, ज्योतिष हो, एक ही बात मीराबाई पूछते, जो आप सब जानते हैं, गाते हैं। लेकिन समस्या ये ना कि हम बोल के गा के मनोरंजन करके चुप बैठ जाते हैं, उसका पालन नहीं। उमरा जुड़ा जो सी हरि से मिलाना देवो से हरी से मिलनी कभी हो सी,
हमेशा एक ही भजन बहुत लगता है, वो आप कभी भी कहीं भी सुन। तो सेठ जी ने पूछ लिया तो संत भगवान ने उपाय बता दिया और 9 घंटे बाद उस मोती का काला दाग साफ किया। 1.25 लाख रुपए उस मोती की कीमत थी, लेकिन आज मोती 1.5 लाख रुपए की कीमत से बिक गया। मेरे भाई बहनों, तो सेठ जी को बहुत आनंद है, खूब आनंद आया, मन एकदम प्रसन्न हो गया, राजी हो गया, संतुष्ट हो गया। अब सेठ जी दुकान बंद करके शटर डाउन करके अपने जा रहे थे घर की ओर। जैसे ही वो शटर डाउन कर रहे थे, अचानक एक कोयला नीचे, कोयला नजर नहीं लगे इसके लिए लटकाते नींबू, कोयला, मिर्ची लगाते हैं कि नहीं लगाते दरवाजे, क्यों लगाते, नजर नहीं, विधान है। वैसे आजकल ज्यादा जरूरत नहीं है दुकानों पे लटकाने, कुछ दुकान वाले भी बैठे हैं क्षमा करना, लेकिन नजर उसको लगती है जो अच्छा, कुछ खासियत हो या क्वालिटी बेटर। आजकल आप चले जाओ चिकलाड़ की और प्रतापगढ़ की दुकान, टोटल माल नकली, घी नकली, तेल नकली, सब नकली, नहीं लटकाओगे तो भी काम चल जाएगा, कोई नजर वजन लगने वाली नहीं, फिर भी लटका। जो दुकान वाले बैठे होंगे वो बहुत थोड़ा परेशान हो गए। कोयला आकर के नीचे गिरा, उस कोयले को देख करके विचार किया उस सेठ जी ने कि अगर मोती का काला दाग साफ हो सकता है तो काला कोयला भी तो सफेद हो सकता है। फटाफट वो कोयला उठाया, दूध पानी के उस मिश्रण में कोयला डाल दिया और बार बार उसको डुबाता कि अगर ये सफेद हो गया तो विदेश से माल लाने की जरूरत नहीं, अपना काम अपने आप बनता है। लोभ आ गया। 9 घंटे की बजाय कई दिन तक डाल करके रखा, कुछ दिन बाद उसको निकाला, निकाल करके सफेद कपड़े से साफ किया। मोती तो साफ हो गया था लेकिन कोयला साफ नहीं हो पाया, कपड़ा जरूर काला हो। ध्यान पूर्वक सुनना, बहुत रहस्यमयी बात, और जो गहराई से सुनेगा वही समझ पाएगा, अन्यथा सार समझ में नहीं। कोयला साफ नहीं हुआ, कोयला सफेद नहीं हुआ। तब सेठ जी के मन में यही बात चल रही थी कि अब पता नहीं मोती तो साफ हुआ और कोयला साफ नहीं हुआ, कारण क्या। तब रास्ते में संत मिले तो उन्हें पूछ बैठे कि महाराज ऐसा क्यों है। कहा बेटा तुमने मोती को डाला तो मोती नीचे बैठ गया अंदर जाकर, इसलिए वह अपने काले को समाप्त कर पाया, लेकिन कोयला उस दूध पानी के मिश्रण में ऊपर ऊपर तैरता रहा, इसलिए वह अपने काली को समाप्त नहीं कर पाया। समझने की कोशिश कीजिए, उन कोयला और मोती की यहाँ कोई जरूरत नहीं है, कोयला और मोती है हम सब, दूध पानी का मिश्रण है आज का सत्संग। अगर मोती बनकर के डूब जाएंगे अपने जीवन की काली यानी कि दुर्गुण अवगुण समाप्त करके, कीमत बढ़ जाएगी यानी इज्जत बढ़ जाएगी, और अगर हम कोयले की तरह ऊपर ऊपर तैरेंगे तो खुद तो काले रहेंगे, अपनी संगति से दूसरों को भी काला बना देंगे। इसलिए डूब करके सुनने का प्रयास, अधिक नहीं थोड़ा सही गहराई में उतरने का प्रयास। माँ की तो बात ही क्या मिल रहा है, और जो ध्यान से गौ माता की चिंतन को कर ले या गौ माता की कथा को सुन ले, उसके आनंद का तो कोई ठिकाना ही नहीं। ऐसी माँ कथा रूपी सत्संग जिसमें डुबकी लगाने का ये सौभाग्य परमात्मा ने हमें प्रदान किया, ईश्वर ने हमें प्रदान किया, जिनके पंचगव्य से रोग समाप्त हो, जिनकी कृपा प्राप्त करके सारे दुख समाप्त हो, ऐसी मैया गौ माता जिनके पीछे कन्हैया हमेशा चला करते, गाय माता की महिमा बताने के लिए और गैया मैया की पंचगव्य की महत्व बताने के लिए भगवान ने कितनी लीलाएं, जहां तक कि भगवान ने चोरी भी। कुछ लोग सोचते हैं कि
इस संसार में भगवान को तो पूरी दुनिया पूछती है फिर वो चोर क्यों थे, या उन्होंने चोरी क्यों की? तो छाछ दही दूध घी की महिमा बताने के लिए भगवान ने ये लीलाएं की कि हे मेरे प्यारे भक्तों, तुम मुझे भज रहे हो, मैं गाय माता को भज रहा हूँ, तुम मुझे जिमा रहे हो, भोग लगा रहे हो, मैं गौ माता को नित्य जिमाता हूँ, और तुम जिस छाछ दही मक्खन का परहेज कर आज जिस तरह की चीजों का इस्तेमाल कर रहे हो, तुम भगवान ने लीला की और लीला करके पंचगव्य की महिमा। जब जब भगवान चोरी करते पकड़े जाते थे, जब जब भगवान ऐसा करते बहुत कुछ होता। बताओ 9 लाख गाय माताएं जिनके घर में हो, दूध दही घी की नदियां बहती हो, उनको चोरी करने की जरूरत है? दो कारण थे। पहला कारण था मेरे भाई बहनों कि यहाँ गोकुल का दूध दही सारा मथुरा जाता था, और भगवान जानते थे कि मथुरा में कंस का राज्य और गौ माता का दही मक्खन खा करके हष्ट पुष्ट हो जाएंगे तो मुझे ही मेहनत ज्यादा लगेगी, इसलिए या तो रास्ते में फोड़ देते थे और या तो प्यारे भाई बहनों ऐसे ही घर पे जाकर के बिखेर के खाते नहीं। गोपियां शिकायत भी ये करती थी कि यशोदा लाला खाए तो भी कोई बात नहीं, खाता नहीं, बिखेर देता। और दूसरा छाछ तो मांगते भी थे, किसी भी काकी की साड़ी पकड़ के कहते काकी छाछ पियो, क्या छाछ की कमी थी? हमें बताने के लिए कि छाछ की महिमा कितनी है मेरे भाई बहन। और कहा भी है ना, शेष महेश गणेश दिनेश पचिहार थके पर पार न पावे, ताही अहीर की छोहरियां चचियावर छाछ पे ना। गौ माता की महिमा बताने के लिए भगवान ने, और इतने नटखट मेरे भाई बहनों की, वो भी गाय माता के दूध का ही कमाते। छोटा सा प्रसंग आता है भगवान की चर्चा निकली है, थोड़ी सी महिमा कर लेते हैं। गैया चराने जाते, दूध दही मक्खन लुटाते और बस आनंदित रहते। जब तक भगवान ने गौ माताओं का संग किया तब तक उनके जीवन में मस्ती ही मस्ती थी, लेकिन जिस दिन से गौ माता का सेवा गौ उच्चारण छूटा उसके बाद भगवान के जीवन में और भी संघर्ष हुआ। ऐसे दिव्य दूध दही छाछ की महिमा बताते हुए भगवान चोरी करने जाते तो बड़ा आनंद आता था। बाकी सारी गोपियां तो सहज आनंद लेती, लेकिन एक गोपी ऐसी थी जिसका थोड़ा अहंकार पुष्ट अहंकार था। यशोदा मैया के पास जाकर के बोलती है कि माँ तुम्हारा लाला मेरे घर में चोरी करता है, अगर अब की बार पकड़ा गया तो ठीक रहेगा। का मेरा लाला चोरी नहीं करता? करता है। का कोई सबूत लेके आना किसी ने? छाछ की चोरी की बात चल रही, बाद में ये भी बताएंगे कि छाछ कितनी महत्वपूर्ण है मानव के जीवन में, क्यों भगवान ने छाछ दही पे इतना ध्यान दिया, क्यों इतनी सारी लीलाएं की, गौ माता की पंचगव्य की महिमा बढ़ा दी, और कोई कारण नहीं। इसलिए आनंदमय प्रसंग सुन ले कि भगवान ने क्या क्या नहीं किया। यशोदा मैया ने कहा तुम कोई सबूत लेके आना तो मानूंगी, वैसे नहीं मानूंगी। उसने तय कर लिया कि अब कन्हैया आके देखना, पकड़ेंगे तो निश्चित रूप से यशोदा मैया को लाके दिखाएंगे। फटाफट वहां से चली गई और कन्हैया जी ने आज निश्चित कर लिया कि काकी अगर तूने मुझे पकड़ने का सोच लिया है तो टेंशन मत ले, तेरे ही घर में आज ड्यूटी पक्का, आज वहीं चलते, चिंता मत। ग्वाल वालों की टोली को लेकर के और भगवान चलते, और जब जब भगवान दही की मटकियां फोड़ने छाछ बिखेरने जाते थे ना, अकेले नहीं जाते थे, बहुत सारे जितने भी ग्वाल वाल थे सबको साथ ले लेते थे, चुपके चुपके जाया। और उसका जो आनंद है मेरी बहन, वो तो जब लिया जाता है ना तभी आनंद आता है। छाछ का दही का जो आनंद है ना, वो आपके मिरिंडा कोका कोला थम्सअप में नहीं। आजकल तो किसानों के घर का फ्रिज खोलो तो भी आपको पेप्सी की या मिरिंडा की बोतल मिलेगी, बूढ़े बूढ़े भी जाके पेप्सी पी कर। जबकि छाछ की महिमा, कितना आनंद लिया भगवान ने विचार। गोविंदा अलारी, जिनको आनंद लेना, एक ही बार बोली बनती पता नहीं कितने घर में पड़ जाती। आनंद लेना है या आगे चले कथा बताओ, थोड़ा बहुत लेना है कि चलते रहे? मेरे को मुझे पता है कि आप चिकलाड़ वालों को चमक धमक नाच गान बहुत पसंद आता है, और मैं ही हूँ जो ज्ञान ही ज्ञान 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 ये
ये कथा वो कथा वो बात ये बात, कभी कभी टेंशन में आ जाता है। अभी तो गोविंदा आएगा रे जरा मटकी संभाल जल्दी 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 जल्दी। अब घूंघट तो पहले बहुत लंबा निकालती, पहले जो घूंघट होते थे वो दाढ़ी तक होते थे, कुछ भी नजर नहीं आता। आजकल घूंघट होते हैं लेकिन एकदम ट्रांसपेरेंट छन्नी जैसे आर पार देखते, बताया ना दादाजी। हालांकि आजकल तो शर्म तो यूं समझो कि चली गई। मैं ये नहीं कह रही कि आप घूंघट, एक बात आ रही क्योंकि नारी लज्जा में शर्म में शील में अच्छी। किसी औरत ने खूब श्रृंगार किया है, बहुत श्रृंगार किया है, लेकिन अगर उसकी आंखों में शर्म नहीं है तो वो किसी पुतना पुतनी राक्षसनी जैसी दिखती है। और अगर साड़ी चार जगह से फटी है और मेरे भाई बहनों आंखों में शर्म है तो वो बहन किसी देवी दुर्गा सीता माता राधा रानी जैसी नजर आती है। इसलिए शर्म की बात चलती है, सिर्फ घूंघट की शर्म की बात चलती है। बाकी अपने चिकलाड़ की भिंडियों को तो देखो, घूंघट में से 1000 गाली दे देती है ससुर जी को, ऐसा घूंघट पे किसी काम का नहीं। पूरी शर्म होनी चाहिए। तो बड़े उससे घूंघट निकाल के जा रही थी, हाथ पकड़ रखा था कन्हैया का, कान्हा जी ने थोड़ी सी चंचलता की, का एक आकी
हाथ दुख रहा है दूसरा पकड़ ले, फूट दुख रहा है दूसरा पकड़ ले। छोटे से कन्हैया काकी को बिचारी को दया आ गई कि दूसरा ही तो पकड़ने को, कह रहा है पकड़ लेती हूँ। इतने में सामने से उसका खुद का बच्चा आ रहा था, कन्हैया जी ने अपना हाथ छुड़ाया, उसके खुद के छोरे का हाथ पकड़ा है और रवाना सीधा घर। घर पे जाके बोलते कि माँ वो काकी आ रही है और मेरी शिकायत करेगी, तू मन ना मत, मक्खन रोटी दे देता। चूल्हे के पास बैठ के रोटी खा रहे आराम से, इधर वो मेरी भाभी ने हाथ पकड़ करके लेकर के चली आ रही, देख यशोदा तेरा लाला ऐसा, तेरे लाले वैसा, ये वो बहुत सारी बात। अब वो हाथ में जो बच्चा था वो भी चलता जा रहा, उसका हाथ पकड़ के चली जा रही चली जा रही। जोर से आवाज लगा, ए यशोदा देख आज सबूत लेके आए। क्या सबूत ला यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी, क्या बात है, ये देख तेरा लाला, मेरा लाला तेरे मेरे बगल में बैठा है, ये रहा हाँ घूंघट हटाया, देख तो खुद को ही छोरू थप्पड़ मारेगी तू कटवाएगी बेटा। अब क्या करें बेचारी का, कन्हैया जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं और भगवान ने काकी को कहा, ए काकी थोड़ी नीचे जो, थोड़ी सी नीचे जो कि कान में बोलते कि देख आज तूने मुझे पकड़ने की कोशिश की, आज तेरे बेटे का हाथ पकड़ाया है, आज फिर तेरे घर में चोरी करने घुसूंगा, और आज अगर तूने मुझे पकड़ने की कोशिश की ना तेरे पति का हाथ पकड़ूंगा। लोग क्या कहेंगे, चली गई बिचारी, ऐसे धमाल ऐसी मस्तियां ऐसा आनंद गौ माता के साथ आ सकता। तो कन्हैया जी तो ग्वाल थे और ग्वाल वालों में यही मस्ती होती, छाछ की महिमा। और छाछ के लिए तो महाभारत में लिखा है कि किम शक्रश्य दुर्लभम तक्रश्य शक्रश्य दुर्लभम, तक्रम शक्रश्य दुर्लभम, तक्र कहते छाछ।